जब से मैंने टेलीस्कोप खरीदा है तब से मैंने आसमान में बहुत कुछ देखा और आपको दिखाया। हम अभी तक मार्स, जुपिटर, कॉमेट या तक तो हम यूरेनस को भी कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने अभी तक मून को कैप्चर नहीं करा तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। ओके, तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा खास है और ये अब तक के मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से होने वाला है, क्योंकि हम कैप्चर करने वाले हैं मून को। मून। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं ट्राई करने वाला हूँ अपनी बनाई हुई सबसे क्लियरेस्ट मून की इमेज लेने की। और उससे बड़ी बात, आज आप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि मून की सबसे क्लियरेस्ट इमेज कैसे लें। और हाँ, अगर आप साइंस और एस्ट्रोनॉमी के लवर्स नहीं हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं होगी, तो आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इंट्रो सुनकर ही आपने लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा वैसे, क्योंकि आज कोई पहली बार इस टॉपिक को हिंदी में कवर कर रहा है। फिलहाल जो भी हो, आइए स्टार्ट करते हैं। सो मून, मून के ऊपर हम जितनी बात करें उतनी कम है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बात आई है मून की सबसे क्लियरेस्ट इमेज लेने की, तो आपने ये इमेज तो देखी होगी। ये इमेज ली है इन्होंने जब ये 16 साल के थे। इनकी ये इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई मून की सबसे क्लियरेस्ट इमेज के नाम से। लेकिन क्या ये सच में मून की सबसे क्लियरेस्ट इमेज है? तो मैं कहूँगा इसे मोस्ट क्लियरेस्ट इमेज नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए क्लीन इमेज, या ऐसे कह सकते हैं हाई रेजोल्यूशन मून इमेज कैप्चर्ड बाय इंडियन बॉय। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वैसे ये इमेज इन्होंने 2 साल पहले ली है और ये सच में काफ़ी कमाल की इमेज है। वैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मून की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने के लिए तो आपके पास एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होना चाहिए या एक हाई मेगा पिक्सल वाला कैमरा, बहुत ही ज़्यादा हाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती अगर हमारे पास इतने एक्सपेंसिव गियर होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये काम आप नॉर्मल टेलीस्कोप और एक नॉर्मल कैमरे से भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, जो मून की इमेज अर्गो डॉलर की ऑब्जर्वेटरी ने ली है, सेम उसी क्वालिटी की इमेज आप अपने टेलीस्कोप से भी ले सकते हैं। हाँ, ऑब्जर्वेटरी ये काम 1 घंटे के अंदर कर देगी और आपको कई हफ्ते लग जाएंगे ये करने में। और ये सब कैसे करते हैं ये तो इस वीडियो में हम देखने ही वाले हैं फुल प्रोसेस। फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने इसी सेटअप का इस्तेमाल करा था मून की इमेज लेने के लिए। और ये सेटअप इतना एडवांस भी नहीं है, 5 इंच का टेलीस्कोप है, ASI 120 और E3 माउंट विथ 2x बार लो। ये सेटअप कुछ हद तक हमारे सेटअप जैसा ही है। फिलहाल मानना पड़ेगा इन्होंने ये काम इस टेलीस्कोप से करा, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने कई और इमेजेस भी देखी मून की हाई रेजोल्यूशन वाली और उन्हें कैप्चर करा गया है काफ़ी एडवांस टेलीस्कोप से। वैसे हाल ही में कई सारी मून की इमेजेस आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली हैं। और ये देखिए, ये है नासा की, ये सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, तो आपको ये सीन तो याद ही होगा, ये हमारे लास्ट ऑब्जर्वेशन में हुआ था। इस सब के बाद से मैंने अभी तक टेलीस्कोप को टेस्ट नहीं करा है। अब मैं सिर्फ तभी टेस्ट करूंगा तब मैं मून को कैप्चर करने जाऊंगा। वैसे तब टेलीस्कोप गिरा था, उसके इम्पैक्ट से कॉलोमेशन और गाइड स्कोप अलाइनमेंट हिल गया था, इसलिए इन्हें मुझे फिर से सेट करना होगा। लेकिन इन्हें सेट करने में मुझे पिछली बार 3 घंटे लग गए थे और इस बार मैं 3 घंटे नहीं लगाना चाहता, इसलिए हमने फोटो कार्ड से कुछ ऑर्डर करा है जो कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आइए खोल के देखते हैं क्या है ये। नाइस, बॉक्स तो काफ़ी अच्छा है, इसे खोलते हैं। ओके, तो ये है एक लेज़र। जी हाँ, बस लेज़र, ऐसा लेज़र जो आपको 4000 में मिलेगा। बस इसमें अलग बात ये है कि लेज़र के आगे कॉलिमेटर जोड़ दिया है, इसलिए इसका नाम है लेज़र कॉलिमेटर। ओके, तो इसकी मदद से मैं अपने टेलीस्कोप को कॉलिमेट करूँगा। कॉलिमेशन क्या होता है ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसके बिना भी अपने टेलीस्कोप को कॉलिमेट करा है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए इसे ख़रीदा। ओके, जो भी हो, आइए इसे अपने टेलीस्कोप पे लगाते हैं और ऑन करते हैं। हमारा टेलीस्कोप तो अनकॉलिमेट दिख रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने इसे लॉक करा तब लाइट की बीम सेंटर में चली गई। वैसे ऐसा हर टेलीस्कोप के साथ नहीं होता। मेरा टेलीस्कोप एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें काफी बेसिक सा फोकसर है। आप देख सकते हैं ये कैसे हिल रहा है। फिलहाल मुझे लगता है टेलीस्कोप कॉलिमेटेड है, क्योंकि लॉक करते दौरान ही लाइट बीम सेंटर में चली गई। तो ये तो अभी कुछ काम आया नहीं, इसलिए मैं इसे अपना पुराना टेलीस्कोप कॉलिमेट कर लेता हूँ। ओके, आज सोच रहा हूँ मैं टेलीस्कोप लेके जाऊँ। पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ पर वेदर बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। आज आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, उम्मीद करता हूँ रात को ये सब हट जाएंगे। लेकिन मैं कोई तुक्का लगाना नहीं चाहता, इसलिए वेदर रिपोर्ट देख रहा हूँ। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 1 बजे के बाद आसमान साफ हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। ओके, तो मैंने अपने टेलीस्कोप को रफली पोलर अलाइन कर दिया है। ये काम मैंने अभी से कर दिया ताकि हमें रात को और भी ज़्यादा वक्त मिले। फिलहाल अभी के लिए हमारा काम पूरा होता है, अब बस मैं वेट करूँगा रात का। ओके, तो मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से मैं टेलीस्कोप पर नज़र रखूँगा और कुछ प्री प्लानिंग करने वाला हूँ, वो भी पी कर प्री प्लानिंग। ऑल राइट, सूरज ढलने वाला है, अब हमें एक्यूरेट पोलर अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, लगता है कोई और भी मेरी मदद करना चाहता है, और वो है ये बंदर, अकल के कच्चे बंदर। इनकी मदद ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो मैं बचा कुचा सामान भी ले आया और अब बस हम वेट कर रहे हैं तारों का निकलने का, ताकि हम ड्रिफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके पोलर अलाइन कर सकें। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं मून को, जिसे मैं ओनली कैमरे से कैप्चर कर रहा हूँ। हमारे कैमरे से भी काफ़ी अच्छा मून दिख रहा है वैसे। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ। नाइस, अभी तो हम मून पर थे और दूसरे ही पल धरती पर आ गए। ये कैमरा सच में टेलीस्कोप के टक्कर का है। और हाँ, एक और बात याद आई, आज जुपिटर और वीनस का कंजक्शन है, तो एक बार कैमरे को जूम करते हैं उस तरफ। ओके, और जूम। बस ये अच्छा दिख रहा है, मैं इसकी कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ एक्सपोजर कम कर। इसके बाद हमें ये इमेज मिली, ये है जुपिटर और ये है वीनस। वैसे जुपिटर के मून्स नहीं दिख रहे, पिछली बार तब मैंने जूम करा था तो उसमें मून्स दिख गए थे, और पिछली बार वीनस को भी देखा था वो कुछ ऐसा दिखा था। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है एक्यूरेट पोलर अलाइन करने का। जी नहीं, सबसे पहले मुझे गाइड स्कोप को अलाइन करना होगा, तभी हम ये कर पाएंगे। यह करने के लिए हमें टेलीस्कोप को ब्राइट स्टार की तरफ घुमाना है। यह देखिए, यह स्टार का लाइव व्यू है। वैसे मैं बता दूं, ये दोनों एक ही स्टार है। ये हमारे मेन टेलीस्कोप से है और ये गाइड स्कोप से। हमें करना यह है कि गाइड स्कोप से जो स्टार दिख रहा है वो स्टार सेंटर में होना चाहिए। इस काम को आप जितना एक्यूरेटली करेंगे ऑटो गाइडिंग उतनी एक्यूरेट होगी। ओके, अब ये सेंटर में है, ये काम पूरा हुआ। लेकिन आसमान में देखिए कितने सारे बादल हैं, उम्मीद करता हूँ ये जल्दी साफ हो जाए। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है ड्रिफ्ट अलाइन करने का। उम्मीद करता हूँ आसमान में इतने ही स्टार होंगे कि हम ये कर सकें। ओके, आज मैं कहूँगा सबसे बुरा दिन। आज कई चीज़ें मेरे साथ बुरी हुई। पहला हादसा हुआ मेरे लैपटॉप के साथ। असल में टेलीस्कोप का काउंटर वेट निकल गया, जो निकल कर सीधा मेरे लैपटॉप के ऊपर गिर गया। टेलीस्कोप को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन लैपटॉप को मैं नहीं बचा पाया। आप देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर कितने निशान हैं। और दूसरे हादसे ने आग में घी डाल दी। असल में ऑटो गाइडिंग की केबल फंस गई टेलीस्कोप के मूव होने के दौरान, जिससे वो वायर खींचते चली गई। और तीसरी बुरी चीज़ तो आप देख ही सकते हैं, आसमान अभी तक साफ नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं ड्रिफ्ट अलाइन नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर स्टार को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इतने सारे बादल हैं।
यानी आज कोई चांस नहीं कि मैं कैप्चरिंग स्टार्ट कर सकूं। लेकिन हाँ, खाली हाथ जाने से तो अच्छा है एक बार टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाते हैं। ओके, तो ये है मून थ्रू माई गाइड स्कोप, जिसमें मोनो कैमरा लगा है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सारे बादल हैं। ओके, गाइड स्कोप से देख लिया, अब मेन टेलीस्कोप से देखते हैं। कैमरा स्विच करते हैं। ओके, सो मेन टेलीस्कोप से मून कुछ ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा ठीक ठाक है। वैसे मुझे लगता है मुझे इसे कैप्चर कर लेना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी मून को प्रोसेस नहीं करा। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने अभी तक टेलीस्कोप में फ़ोन लगाकर ही मून को कैप्चर करा है। हाँ, ये सुनने में काफ़ी अजीब है, मैंने कभी मून को प्रोसेस नहीं करा, और अब मैं चला हूँ मून की हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने के लिए। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. फिलहाल जो भी हो, आज की वेदर रिपोर्ट गलत निकली, लेकिन मुझे उम्मीद है कल आसमान जरूर साफ होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना टेलीस्कोप को पूरी रात यहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि कल तो यहाँ आना ही है। इसलिए सोच रहा हूँ बंदर को बोल दूँ इसका ध्यान रखे। तो मैं टेलीस्कोप को कवर कर देता हूँ और चलता हूँ बैकअप। ओके, अभी तक आसमान साफ है, बस सूरज ढलने का इंतज़ार है। और आज आसमान गंदा नहीं होना चाहिए, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अरे वाह, मैंने तो नट तोड़ दिए। एक और तोड़ता हूँ, ये भी टूट गया। ओके, तो आज का आसमान क्लिस्टर कियल है और मैंने अपने टेलीस्कोप को एक्यूरेट पोलर अलाइन कर दिया है ड्रिप अलाइनमेंट के जरिए। और इससे पहले हम टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाएं, हमें सबसे पहले फोकस करना होगा, क्योंकि मून इतना दूर है कि वो भी इन्फिनिटी फोकस में आता है। सो इसे करने के लिए हमें टेलीस्कोप को ब्राइट स्टार की तरफ घुमाना होगा, और फिर उसके बाद हम टेलीस्कोप के ऊपर लगाएंगे बैटन ऑफ मास, ये है फोकसिंग मास। इसे लगाते ही हमें स्टार का कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। हमें करना यह है कि इसे सिमेट्रिकल करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, सो इससे पहले हम टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाएं और कैप्चरिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं, आखिर हम कैसे मून की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेंगे। सो एग्जाम्पल में एक एक्सपेंसिव ऑब्जर्वेटरी ये काम एक बार में कर सकती है, यानी एक सिंगल शॉट में, क्योंकि उसका मिरर का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होगा और कैमरे का मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। उसी तरफ मेरा टेलीस्कोप ये काम सिंगल शॉट में कभी नहीं कर सकता, ना तो उसके पास इतना बड़ा मिरर है और ना ही उसके पास हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा। मेरे कैमरे का मेगापिक्सल है ओनली 2, जी हाँ 2, यानी मेरा टेलीस्कोप सिंगल शॉट में मून की हाई रेजोल्यूशन इमेज कभी नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक टेक्निक है जिससे ये करा जा सकता है। इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरा टेलीस्कोप सिंगल शॉट में मून की एक इमेज ले सकता है जिसका रेजोल्यूशन होगा 2K एग्जाम्पल में। लेकिन अगर हमें मून की हाई रेजोल्यूशन इमेज बनानी है तो हमें टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ाकर उसे पॉइंट करना होगा मून के छोटे से रीजन पे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे हमें पहले मून का पूरा व्यू मिल रहा था और अब इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन उतने का उतना ही है, यानी 2K। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये हिस्सा कैप्चर करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करते करते हम पूरे मून को कवर कर लेंगे। और फिर इन सभी अलग अलग इमेजेस को हम आपस में जोड़ देंगे और इनको जोड़ के बनाएंगे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पैनोरामा इमेज लेने जैसा ही है। लेकिन रुकिए, ये कोई सिंपल पैनोरामा इमेज नहीं है, ये एस्ट्रो फोटोग्राफी है, इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मून के एक छोटे से रीजन की एक पिक्चर ले और निकल गए, ऐसा नहीं करना हमें। हमें एक रीजन के 10,000 से भी ज़्यादा फ्रेम चाहिए, मतलब हर रीजन की हमें 10,000 फ्रेम चाहिए हर रीजन के। तो आप समझ रहे हैं ये काम बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हमें मून के छोटे से एरिया पे बने रहना होगा ताकि हम वहाँ पर रुक कर इतने ज़्यादा फ्रेम ले सके। ओके, तो हमने समझ लिया है कि हमें करना क्या है, अब बाजी है प्रैक्टिकल करने की।
सो हम मून को टुकड़ों में कैप्चर कर पाए इसके लिए मैं मदद दूंगा एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है मून पैनोरामा मेकर। ये सॉफ्टवेयर ये काम करने में कैसे मदद कर सकता है आप बस देखते जाइए, लेकिन सबसे पहले हमें इसे सेटअप करना होगा, हमें कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी, टेलीस्कोप की भी और भी बहुत कुछ, लेकिन ये सब मैंने पहले ही सेट कर रखा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते ही ये लैंडमार्क सिलेक्ट करने को बोल रहा है। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि सॉफ्टवेयर को टेलीस्कोप से अलाइन कर सके। तो मैं मून का एक लैंडमार्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं वो लैंडमार्क सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। मेरे लिए जो लैंडमार्क आसान है वो है मून का सेंटर, यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। ओके, सिलेक्ट करते ही ये अपने आप ही टेलीस्कोप को स्लो कर देगा मून के सेंटर की तरफ। तो एक बार चेक करते हैं क्या ये सच में सेंटर की तरफ जा रहा है। स्टेलेरियम में ये साइड की तरफ है बिल्कुल, और कैमरे में ये मून की तरफ ही है, पर ये सेंटर तो नहीं है, इसलिए मैं गाइडस्कोप से देखूंगा मून को। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है, तो मैं कंट्रोलर का इस्तेमाल करूंगा और सेंटर में कर दूंगा। अब ये बिल्कुल सेंटर में है। तो हमने टेलीस्कोप को अलाइन कर दिया मून से, अब वक्त है कैमरा अलाइन करने का। यह करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर में आना होगा और एंटर क्लिक करना होगा। एंटर क्लिक करते ही ये टेलीस्कोप को स्लू कर देगा, टेलीस्कोप को मून के लिम नाम के लैंडमार्क पर। उसके बाद आप कैमरा अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना यह है कि मून का ये सरफेस एकदम ओरिएंटेड होना चाहिए वर्टिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा तो पहले से ही वर्टिकल है, मतलब कैमरा अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फील्ड ऑफ व्यू में ये थोड़ा टेढ़ा आता है या दूसरी तरफ झुका आता है तो आपको कैमरे को घुमाना होगा ताकि आप इसे सीधा कर सके। ओके, अब सब कुछ तैयार है, हमने सॉफ्टवेयर सेटअप कर दिया है, अब हम कैप्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैं फोकसिंग मास हटा देता हूँ, मैं इसे हटाना भूल गया था। जो भी हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मून, और इस सॉफ्टवेयर ने मून को कई टुकड़ों में बांट रखा है, तकरीबन 12। असल में ये टुकड़े मेरे फील्ड ऑफ व्यू के हैं, यानी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन इस सॉफ्टवेयर में सेट करी थी उसी के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर ने मून को 12 हिस्सों में बांट दिया, यानी 12 टाइल्स में। अगर मेरे टेलीस्कोप की फोकल लेंथ थोड़ी और ज़्यादा होती, जो कि मैं चाहता था, तो ये सॉफ्टवेयर मून को और भी कई सारे टुकड़ों में बांटता। वैसे इतने टुकड़े तो मैं अपने बर्थडे पार्टी के केक में भी नहीं करता। फिलहाल जो भी हो, आइए कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में आऊँगा। आप देख सकते हैं इसने 12 टुकड़ों में बांटा है, यानी 12 टाइल्स में। तो सबसे पहले मैं मूव करना चाहूँगा 0 की तरफ, तो मैं यह आऊँगा और 0 एंटर कर दूँगा और फिर मूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली 0 टाइल की तरफ मूव हो गया है। यह देखिए, ये सरफेस बिल्कुल मैच हो रहा है, जैसा यहाँ पर है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, बस ये थोड़ा उल्टा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, कैप्चरिंग स्टार्ट करने से पहले हम सेटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इस बार सेटिंग को बेस्ट सेटिंग पर एडजस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमें हर वक्त सेम सेटिंग के साथ कैप्चर करना होगा। ऐसा इसलिए अगर एक फ्रेम दूसरे से अलग दिखाई दिया तो आप पहचान जाएंगे कि मून का ये हिस्सा अलग से जुड़ा हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, सेटिंग एडजस्ट हो गई है। अब मैं कैप्चरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्टार्ट, हमें चाहिए पूरे 10,000 फ्रेम या उससे ज़्यादा। और हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि हम हर एक टाइल्स में 10,000 फ्रेम ही लेने वाले हैं, ना ही कम करेंगे ना ही ज़्यादा। अरे ये देखिए, बातों बातों में तो ये हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेम पर सेकंड्स वाला कैमरा है। हाँ, वो भी बात है कि मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करा था। फिलहाल जो भी हो, अब अगली टाइल की तरफ बढ़ते हैं। हम सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 और फिर मूव। ये देखिए, ये नंबर 1 की तरफ मूव हो गया है। अब हम इसे भी कैप्चर कर लेंगे 10,000 फ्रेम के साथ। इसके बाद भी हम यही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे, 1, 2, 3, 4, 10,000 फ्रेम, सेम सेटिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन रुकिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा तो होता नहीं है। इस बार प्रॉब्लम ये आई, जो डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रॉ में है, यानी हर एक डाटा रॉ का साइज 40 GB है या उससे भी ज़्यादा। इसलिए मैं डाटा को अपनी SSD से निकाल कर हार्ड ड्राइव में डालता जा रहा हूँ, मतलब मैं कैप्चरिंग और मूव दोनों एक साथ कर रहा हूँ। और दूसरी समस्या है मेरे टेलीस्कोप के साथ, इस वक्त हम ऑटो गाइडिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारे फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है वो धीरे धीरे सरकता जा रहा है। ऐसा होने के दो कारण है, पोलर अलाइनमेंट एरर और दूसरा है मून मूव होता है। जी हाँ, आपको पता होगा जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं यानी मून, वो इस वक्त मूव हो रहा है 2,300 माइल्स पर आवर की स्पीड से,
शायद यही कारण हो सकता है कि मून सरक रहा है हमारे फील्ड ऑफ व्यू से। इसलिए मेरे पास अब एक तरकीब है, ये काम अब मैं मैन्युअली करने वाला हूँ। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, इसलिए ये काम मैं मैन्युअली करना पसंद करूँगा, सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये सॉफ्टवेयर बेकार है। हो सकता है ये मेरे माउंट के साथ काम ना करा हो, या मेरे माउंट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। कई सारे मेजर फैक्टर्स हैं इसमें। फिलहाल जो भी हो, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मून को मैन्युअली कैप्चर कर रहा हूँ। मैं सर्वर रीजन को याद करने के लिए उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ, ताकि मुझे याद हो कि मैंने कौन सा हिस्सा कैप्चर करा है और अगला कौन सा करना है। और इतना ही नहीं, मैं ऑटो गार्डिंग भी मैन्युअली कर रहा हूँ। अगर मून थोड़ा निकलता है हमारे फील्ड ऑफ व्यू से, तो मैं मैन्युअली टेलीस्कोप को सरका देता हूँ उस तरफ। तो आप समझ सकते हैं मेरा काम में धाम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ऑटो गार्डिंग भी करो, मैपिंग भी करो, और उसे सेंटर में बनाए भी रखो। अब तो मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता एक सेकेंड भी। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बैठे बैठे, लेकिन अभी भी 3 टाइल्स और बची हैं। उन्हें भी मैं कैप्चर कर लेता, लेकिन टेलीस्कोप को मरीडियन फ्लिप करना पड़ गया, यानी थोड़ी मुश्किल और बढ़ गई। अब मुझे फिर से लोकेट करना होगा वो पॉइंट मून का। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी ये सब करने वाले हैं, तो बिफोर मरीडियन फ्लिप कर लीजिए या आफ्टर मरीडियन फ्लिप कर लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके, तो मेरी हालत पतली हो गई है, लेकिन हमारा काम पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमने कोई रीज़न छोड़ा ना हो। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है मैं आपको मून के नज़ारे दिखाऊं। मैं आपको मून तो दिखाऊंगा, मैं आपको मून 3x बार्लो से भी दिखाऊंगा, और साथ में अपोलो 11 की लैंडिंग साइट भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, बने रहिए। ओके, तो अभी तक हम मून को 2x बार्लो के द्वारा कैप्चर कर रहे थे, लेकिन अब मैं 3x बार्लो लगा रहा हूं, ताकि हम अपोलो 11 की लैंडिंग साइट देख सकें। सो, अपोलो 11 उतरा था सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी में, जो कि ठीक यहाँ पर है। ये वही जगह है जहाँ पर अभी भी लूनर लैंडर की डिसेंट स्टेज है, और अमेरिकन फ्लैग भी है, और कुछ इक्विपमेंट भी है। सो, टेलीस्कोप से हमें एग्जैक्ट यही लोकेशन दिखे। सबसे पहले हम देखेंगे गाइड स्कोप से, और यहाँ पर है तो मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। सेंटर होने के बाद अब हम कैमरा स्विच करेंगे, ताकि हम उसे मेन टेलीस्कोप से देख सकें। तो क्या लगता है हमें क्या दिखने वाला है, अमेरिकन फ्लैग या फिर लैंडर? ये देखिए, ये है ट्राइक्वालिटी, और ये देखिए, ये है लूनर लैंडर, हमें दिख रहा है। ये फेक है, एडिटिंग है, असल में ये ऐसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिए, hey, that's pretty good. Okay, तो कितने लोगों ने सोचा था कि हमें सच में वही दिखेगा? अगर आपने सोचा था तो कमेंट पे ज़रूर बताना। वैसे मैं आपको बता दूं, इस टेलीस्कोप से ये इम्पॉसिबल है। इस टेलीस्कोप से नहीं, बल्कि दुनिया में कोई भी टेलीस्कोप वो नहीं देख सकता। अगर हम लूनर लैंडर देखना चाहते हैं, जो कि 9.4 मीटर का है, तो हमें चाहिए होगा 335 मीटर डायामीटर का टेलीस्कोप। बल्कि अभी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ये है। यानी ये बेवकूफ़ी है कि मैं अपने 13 सेंटीमीटर के डायामीटर के टेलीस्कोप से अपोलो लैंडर देखूं। बल्कि ये काम हबल टेलीस्कोप भी नहीं कर सकता। अभी हमारे पास लैंडर की आखिरी तस्वीर मात्र यही है। ये तस्वीर ली है लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर ने, जो कि नासा का एक ऑर्बिटर है जो चांद के चक्कर काटता है। फिलहाल जो भी हो, आइए मून के कुछ नज़ारे देखते हैं। सो, मून की सबसे खास बात है उसके क्रेटर्स। ये क्रेटर्स यानी घट्टे मीटेरॉयड इम्पैक्ट से बने हैं। यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि ये धरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती एस्टेरॉयड से पत्थर टकराने से, तो फिर उसका सर पकड़ कर मून की तरफ घुमाना और कहा, देख ये क्या है। मून इस बात का सबूत ही नहीं है, बल्कि हमें इन चीज़ों से बताता भी है। वैसे मून पर क्रेटर्स के बाद आप जो देखेंगे वो है काले धब्बे, जो कि काफ़ी अलग दिखते हैं। यह काले धब्बे असल में लावा फ्लो है, जो कि अब सूख गया है। यह लावा आज से करोड़ों साल पहले वहाँ था, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से, मीटियोर शावर से, या वोल्केनोस से। जी हाँ, वोल्केनोस। मून पर कई सारे वोल्केनोस थे, आज ज़्यादातर मर चुके हैं, लेकिन हाल ही में कुछ वोल्केनोस एक्टिविटीज़ देखी गई है। फिलहाल जो भी हो, हम मून के ऊपर बात करने बैठे तो ये बात कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हमारा काम पूरा होता है। अब वक्त है बैकअप का।
आज हमारा मिशन पूरा होता है तो इसलिए मैं टेलीस्कोप को लेके जा रहा हूँ। ओके, आज अगला दिन है और आज हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। सो, ये है रॉ डाटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट जो भी है इसका आकार समझना मुश्किल है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या ये चिड़िया या सैटेलाइट नहीं हो सकती। तो असल में ये नहीं है, क्योंकि हमने टेलीस्कोप को इन्फिनिटी फोकस पर सेट करा है और इतने फोकस पर चिड़िया दिख जाती है, या तक तो सैटेलाइट भी दिख जाती है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका आकार ऐसा है या ये अनफोकस है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं इसे UFO कहूँगा। UFO का मतलब ये नहीं कि वो एलियन की स्पेसशिप हो, UFO का मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। लेकिन रुकिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट से हैरान हो गए तो मेरे पास कुछ और भी है और वो सच में काफ़ी अजीब है। इस क्लिप को ध्यान से देखिए कि आपको कुछ दिखाई दिया। नहीं दिया तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट पहले वाले से बड़ा दिख रहा है और साथ में गोल भी है, एकदम गोल। इस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मुझे सच में नहीं पता क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो किसी तरह का ये एयर बबल लग रहा है। फिलहाल जो भी हो, इन सब को साइड रखते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इनके लिए दिमाग लगाने का वक्त नहीं है। अभी मुझे जल्द से जल्द प्रोसेसिंग करनी है, जिसमें शायद 4 दिन तक लग सकते हैं। फिलहाल जो भी हो, ये है सारा रॉ डाटा। मैंने इसको फाइल में बांट रखा है और हर एक फाइल का साइज़ है 40 GB। इसमें से हर एक डाटा को स्टैक करने में ही 40 से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे। फिलहाल ये सब डिपेंड है आपकी कंप्यूटर पावर पर। मेरा लैपटॉप ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर फैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया है, मैंने कुछ फाइल को अपने SD कार्ड में मूव कर दिया है। अब मैं इसे कंप्यूटर में मूव करूँगा और अपने कंप्यूटर का सहारा लूँगा। और ये देखिए, यहाँ पर डबल डबल स्टैकिंग एक साथ चल रही है, काम की स्पीड दुगनी हो गई है। ओके, हमने स्टैकिंग की स्पीड तो बढ़ा ली थी, लेकिन फिर भी 2 दिन लग गए। मैंने अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को 2 दिन से बंद नहीं करा है, लेकिन जो भी हो, फाइनली स्टैकिंग हो गई। ये है सारा स्टैक इमेज। इसमें से हर एक इमेज 10,000 इमेजेस से मिलके बनी है और हमारे पास है टोटल 16 इमेजेस। अब हमें 16 की 16 इमेजेस को अलाइन करना होगा, जिसमें शायद आधा दिन और लगेगा। ओके, तो सारी इमेज अलाइन और प्रोसेस हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा शार्प हैं। इसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत आने लगी, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत थी या फिर इमेज में दिक्कत थी, तो उन्हीं में उलझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। फिलहाल ये हो चुका है, अब वक्त है स्टिच करने का। आसान भाषा में कहूँ तो अब वक्त है पजल सॉल्व करने का, यानी इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने का, जोड़ कर एक इमेज बनाने का। लेकिन ये काम मैं मैनुअली नहीं करने वाला, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगा इमेज कंपोजिट एडिटर का। ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि मुझे बस इमेज को देना है और ये अपने आप सबको सील देगा आपस में। ऐसे सीलेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, वाह, मैं तो हैरान हो गया। ये इमेज तो बस प्रीव्यू है और अभी से ये काफ़ी क्लीन दिख रही है। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है पोस्ट प्रोसेसिंग का और वो हम करेंगे फोटोशॉप के अंदर। इसका मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें शायद 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है। ओके, तो अब मैं कहूँगा बैंड बज गई, सच में बैंड बज गई। अब मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं करूँगा। जिस इमेज को आप सिर्फ 5 सेकंड देखोगे और लाइक करके स्क्रॉल कर दोगे, उसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा लगा। बहुत सारी मेहनत, वक्त, पैसा, सब कुछ लगा। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है इमेज देखने का। सबसे पहले इमेज में आपको दिखाऊंगा एक क्रिएटर की, जिसे मैंने 3x बार्लो से कैप्चर करा है और वो मेरा फेवरेट क्रिएटर है मून पर। अभी आप देख रहे हैं रॉ डाटा यानी अनस्टैक, उसके बाद हमने स्टैक करा, फिर अलाइन करा और फाइनल इमेज हमें ये मिली। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज का रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। वैसे बता दूँ, ये क्रिएटर मून पे यहाँ पर है। अगर ये बात ध्यान रखकर इमेज देखा जाए तो ये इमेज काफ़ी अच्छी है। ओके, अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है लैंडिंग साइट का रॉ डाटा, फिर स्टैक करा, फिर अलाइन और फाइनल इमेज ये मिली।
ओके सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कई नई डिटेल उभर कर आई हैं। वैसे जाहिर बात है अपोलो 11 तो आपको दिखेगा नहीं, वैसे उसे ठीक यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो इतना छोटा है कि इस इमेज के एक पिक्सल में भी नहीं होगा वो। वैसे हाँ, इसी इमेज से मिलती जुलती मैंने दो और इमेजेस बनाई, एक ये है और दूसरी ये वाली है। इनमें से आपको कौन सी पसंद आई इन तीनों में से आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी हो, अब वक्त है मून मोज़ेक देखने का। तो अभी आप देख रहे हैं स्टैक्ड और अनअलाइन्ड इमेज, फिर मैंने इसे प्रोसेस करा तो हमें फाइनल इमेज ये मिली। आप देख सकते हैं ये है एक क्रिएटर। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट जूम आउट जूम आउट। ओके तो ये इमेज एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं है। कलर वाली इमेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले आप ये वाला वर्जन देखिए। आप देख सकते हैं ये इमेज सच में बहुत ज़्यादा क्लीन है। फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये सच में काफ़ी अच्छी है। वैसे इस इमेज का साइज़ कितना है, तो इसका साइज़ है 800 MB। जो भी हो, आइए मेन इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मिरनल मून पैनोरामा मोज़ेक। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे कलर उभर कर आए हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते। ये अलग अलग कलर मून पर मौजूद अलग अलग मिरनल से आ रहे हैं। वैसे हाँ, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज अलग अलग इमेजेस से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिरनल के वजह से पता चल रहा है, इसलिए मैंने इस इमेज को ओवर सैचुरेशन नहीं करा, वरना साफ पता चल जाता कि ये इमेज जुड़ी हुई है। हालांकि मैं इसे ठीक कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता, मुझे आपके लिए वीडियो भी बनानी है, इसलिए मैंने इसे ठीक नहीं करा। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। अगली इमेज मेरी फेवरेट है। उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खूबसूरत बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी थोड़ी गिर गई। तो ये देखिए, ये सच में है ना कमाल की इमेज, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस इमेज को मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इससे थोड़ी क्वालिटी गिर गई। ये थोड़ी ओवर सैचुरेशन है, पर पास से पता चल जाएगा, लेकिन दूर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जो भी हो, अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली इमेज है हैप्पी होली स्पेशल। असल में होली के टाइम में इसे प्रोसेस कर रहा था, तो मैंने इसे कलर भर दिया। इसमें कलर भरा नहीं, मतलब प्रोसेसिंग स्टाइल से ये ऐसी हो गई। ओके तो आपने मेरी सारी इमेजेस देख ली हैं, और मुझे पता है आपकी कौन सी इमेज सबसे फेवरेट है। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको वो बताया जो किसी ने नहीं बताया अभी तक। और इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद अब आप भी शायद ये काम कर पाएंगे। और अभी भी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते इतना सब लेने के बाद भी, तो आप, मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। फिलहाल जो भी हो, अब मेरी अगली वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है, या अगर सपोर्ट मिले तो शायद जल्दी भी आ सकती है। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, इतनी मेहनत करने के बाद वक्त है सेलिब्रेशन का। ये है पिज्जा ओनली फॉर मी।